हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िए होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। एक बार सबको मैं प्रणाम करती हूँ और स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का अपने एक नई वीडियो में। तो अभी मैं सुबह के 11:30 से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और सुबह से देखो आज बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा हल्की धूप लगी हुई है देहरादून में। तो परसों रात से बारिश हो रही है यहाँ पर, तो परसों रात के धुले हुए कपड़े आज सूख रहे हैं। तो चलो इतना सही, मतलब थोड़ी सी धूप तो निकली आज। ऐसा लग रहा था कि कपड़ों पे बदबू आ जाएगी, और मैंने पायदान में धूल रखी थी। और पता नहीं क्यों होता है, जिस दिन ऐसे भारी कपड़े धुलो ना, उस दिन ज़रूर बारिश आ गई। और मैंने परसों जैसे ही पायदान रात को धो लिए थे, और तो तुरंत मतलब 1 घंटे बाद बारिश आ गई थी। तो मैंने कहा क्या होगा, तो कल तो ऐसे ही रहने दिया अंदर इन पायदानों को, और आज सूख जाएंगे धूप में, क्योंकि मशीन में धुले हुए थे तो थोड़ा बहुत मैंने मशीन में सुखा दिए थे, तो आज तो सूख ही जाएंगे। चलो इतनी मेहरा ने तो कर दिया है बारिश ने। मौसम फिर से गड़बड़ होगा शायद, अभी धूप तो हल्की हुई लगी हुई है, और सब लोगों ने देखो छतों में कपड़े डाल रखे हैं। तो बारिश के बाद बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं धुलने के लिए, तो देख सकते हैं आप लोग। छोटी छोटी पहाड़ियों पर बादल लगने लगे हैं। आज हो रहा है यहाँ पे सरसों की मनाई का काम। तो जिस प्रकार से घरों में गांवों में काम होते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी होते हैं। तो देख सकते हैं आप ये सरसों, और मुझे पहली बार दिख रहा है ऐसे सरसों। मतलब घरों में होती है ना, गांव में तो बहुत बारीक होती है, और मुझे तो अफसोस ही हो रही है सरसों को देख करके। तो देख सकते हैं आप लोग कितने मोटे मोटे दाने हैं इसके, देखो ना, ये देखो पहली बार देख रहा हूँ। मैंने कहा बाद में बारिश लग जाएगी फिर ज़्यादा भीग जाएगी ये, तो अभी इसको थोड़ा सा मान करके और फिर सुखाऊंगी धूप में। तो ये अभी इतना सारा, और अभी कुछ निकालना बाकी है, तो मैं एक बार मान करके उसको वहाँ पे फैला रही हूँ, तो उसके बाद उसको दोबारा करूँगी अभी। तो चलते हैं, और आज देखो मैंने बालों में तेल भी नहीं लगा रखा है, क्योंकि यहाँ के देहरादून के पानी से मेरे सारे बाल खराब हो गया। देखो चुटिया भी इतनी सी रह गई है, पहले मेरे बाल जब मैं बचपन में, मतलब मेरे बाल इतने लंबे थे, तो पता नहीं जैसे जैसे बड़ी होती गई बाल भी कम होते गए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं देहरादून आ गई और बाल सारे ख़त्म हो गए मेरे, भी कितनी बारीक चुटिया रह रखी है। और चलो इतना ही सही। और एक बार तो गर्मी शुरू हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि पंखे लगाने शुरू हो जाएँ, लेकिन परसों की बारिश के बाद थोड़ा सा अभी ठंडा हो गया है, तो कुछ दिनों के लिए मौसम अब ठंडा हो जाएगा। और मैंने भी ये हाफ स्वेटर निकाल दी है, और अब चलते हैं सरसों की मनाई करते हैं। तो इस काम में तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, देख सकते हैं आप लोग ऐसे करके मानते हैं इसको। ये देखो कितने सारे झड़ रही है। काम करते करते देखो कितना पसीना आ रहा है, और ये सबसे अच्छी बात है कि हमें पसीना आता है तो तभी हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। और मुझे मतलब ऐसे काम में जैसे पसीना आए ना, तो मेरे मतलब दिल खुश हो जाता है। और देखो ना तेल भी निकल जाएगा थोड़ा सा, और अपनी वर्जिश भी हो जाती है। और आदत पड़ रही है हम लोगों को, मतलब हमारे पहाड़ों में तो महिलाएं कितनी मतलब वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रांग होती हैं। तो मुझे एंड टाइम पर पता क्या होता है, किसी चीज़ की याद मतलब पेट में आती है और अंदर बाहर निकलती नहीं है। पता नहीं क्या होता है, अब शायद एज का भी असर होता है इसमें, याद नहीं आती है फटक से कोई चीज़। तो पहाड़ों की महिलाएँ मतलब बहुत स्ट्रांग होती हैं, मतलब जंगल जाकर के इतने बड़े बड़े भारे पिघलाते हैं, पसीना आता है और फिट भी रहती हैं। और हम लोग पता क्या 50 कोशिश भी करेंगे तभी हमारा वेट कम नहीं होता है। रोड पे चलते रहते हैं शाम को 1 घंटे 2 घंटे, सुबह भी घूमते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता है। और जो ये फिजिकल वर्क होता है, इसको करने में मतलब मुझे मैं मतलब फ़र्क वो करती हूँ, उसमें लगता है कि मतलब पतले हो रहे हैं। तो सब चीज़ अवेलेबल रहती है घर में, यहीं पे सब्जी वाले आ रहे हैं, अलाना वाले, चप्पल वाले, कपड़े वाले, आरोटी करने वाले, ये वो पता नहीं क्या क्या सब चीज़ घर में रहती है। तो इसीलिए इंसान को कष्ट करने में बहुत
दिक्कत होती है, तो अगर हम कष्ट करते रहेंगे, कुछ काम करते रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। तो मैं तो सभी लोगों को यही बोलती हूँ कि कुछ काम करते रहिए। वैसे हमारी वर्जिश सुबह तो हो ही जाती है, मतलब झाड़ू पोछा करो, लेकिन उसके बाद तो हम लेटे रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए जिससे हमारी तबीयत सही रहे। तो देखो कितना पसीना आ रहा है, तो बढ़िया लग रहा है मुझे। फिलहाल के लिए तो मैंने इतनी सरसों ये तैयार कर दी है यहाँ पे, और ये है उसका बारीक सा कबाड़ और वो मोटा कबाड़, तो उसमें भी अभी बहुत सारा है क्योंकि गीला जो मैंने कूटा ना उससे बहुत ही ज़्यादा उसी पे अभी छूट रखा है। मैंने थोड़ा मतलब बड़ा बड़ा झाड़ा वो, और ये दाने निकाल दिए थोड़े से, और बाकी उसमें अभी बहुत ज़्यादा है। वो थोड़ा सूखने देती हूँ, अभी धूप लग रखी है तो शाम तक उसको भी करना होगा, वरना तो रात में बारिश होगी तो सारा ख़राब हो जाएगा। तो आज ही इसको निपटाना होगा, तो खाना बना के आती हूँ और उसके बाद इसको निपटाती हूँ। पहले आप लोग सोचते होंगे कि इसने यही सापा रखा रहता है, ये मतलब बहुत कोमल होता है रखने में, और ये मेरी माँ ने मुझे दे रखा है, काम करने के लिए बहुत सही रहता है, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, देखो छोटा सा है, और ये बांधने के लिए सही रहता है। और जैसे वो दूसरे होते ना सिंथेटिक टाइप के, उनको बांधने से पता क्या होता है, सर में दर्द होता है और फिर गर्म जैसे लगता है, और इसको बांधने से थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है इसमें। तो हाँ, मुझे थकान लगी है, थोड़ा नीचे जाती हूँ, एक बार एक कप चाय बनाती हूँ और चाय पी लेती हूँ, उसके बाद खाना रखती हूँ पहले, या तो बेटे को बोलती हूँ आज खाना बनाने के लिए, और खाना बनाने के बाद तुरंत बर्तन वर्तन साफ करके यहाँ पे आऊँगी और इसको निपटाऊँगी एक बार, और तब शाम को तब जाऊँगी घूमने, क्या पता शाम को पता चल रहा है यहाँ बारिश आ गई, अभी हवा भी चल रही है तेज, तो चलती हूँ, अब खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है। और पैर भी देखो कैसे हो रहे, गई मेरी काले हो गई, सरसों गीली थी ना तो इसलिए ये ऐसे इन पे छापे लग गए, और अब बिना बुरश के नहीं होंगे ये साफ। घरों में पहले हम धान की मनाई करने जाते थे, जिस दिन बारिश लग गई ना पिछले दिन रात को, और सुबह हम धान की कुटाई करने चले गए, तो ऐसे ही हमारे पैर होते थे कुछ गीले से, तो यहाँ पे भी मेरे पैरों का यही हाल हो रहा खास, तो ये पैर मुझे आज ढंग से साफ करने पड़ेंगे, वरना तो ये छापे इन पे वैसे ही रह जाएंगे। जैसे घर में अकेली रहती हूँ ना तो मुझे अपने गाँव की बहुत याद आती है, तो मैं ऐसी हूँ ना, मैं अंदर नहीं रह सकती हूँ, घर में भी मैं कुछ ना कुछ काम पे लगी रहती हूँ, हालांकि यहाँ पे भी मैं दिन भर काम पे लगी रहती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ काम यहाँ पे भी हो जाता है, और शाम को तो बहुत सारी सहेलियाँ, अब तो मुझे यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगने लग गया, क्योंकि मेरी सहेलियाँ जो भी हैं ना बहुत अच्छी हैं, और सब मिलजुल कर रहते हैं, और सब एक ही एज के हैं, मतलब दो दो चार चार साल का फ़र्क है, तो जब एक ही एज के हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है मजाक वगैरह करने में, तो सब बहुत अच्छे हैं, तो अब तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गांव की याद मुझे ज़रूर आती है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा अपने गांव पे एक छोटा सा गाना गा रही हूँ, और मुझे अपनी मम्मी की खुद भी लग रही है, अपने गांव की खुद लग रही है, तो इसलिए मैं एक छोटा सा गाने की एक लाइन गाना चाहती हूँ, और इसमें जो भी त्रुटियाँ होंगी तो माफ़ी चाहती हूँ। ससुर काडना माजी लाग दी डेरे खोदेनु पैरण माजी तेरा बिगैर जब जान गा सक माजी तब लूण पानी गौरे मुग बटी रौंदी नण दे जिठानी। फाइनली यहाँ पे सरसों भी मांड के तैयार हो गई है, मतलब कूट करके पैरों से इसको मांडा मैंने, तो इतनी थोड़ा सा हो गई है, ये देखो तीन कटों में मैंने यहाँ पे फैला रखी है, बहुत है इतनी अपने खेत की, और अभी थोड़ा काटनी बाकी है क्योंकि वो अभी हरी है, और यहाँ पे है ये राई, और बहुत सारे काम अभी भी निपटाने हैं, अभी सुबह से मैं काम पर लगी हुई हूँ।
तो शाम के 5 बज गए हैं और अभी मैंने घूमने भी जाना है, और सुबह से आज मैं मतलब मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, आज सोई नहीं मैं। तो सारा सरसों का काम निपटा करके अभी यहाँ पे 2 डिब्बों में है मलाई, और इसको भी करना है, अभी इसको छोड़ना है, छोड़ना गढ़वाली में बोला ना कि मलाई छोड़ूंगा, तो इसको छोड़ना बाकी है अभी, तो ये मलाई भी करनी होगी। मैं धूप में रह करके ना वो जल्दी से हो जाती है, तो चलते हैं अब थोड़ी देर आराम करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद चाय बनाती हूँ, इसको करती हूँ, तो जाएंगे तब घूमने। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करी हूँ, तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।